डॉल हाउस में बंद हो और चाबी खो जाए। ज़्यादा हो गया क्या? वाओ गाइस, कितना सुंदर चाय बना है। लिटरली बिल्कुल रेड चाय बन चुका है। ऑमलेट का साइज देख रहे हो, देख रहे हो। हेलो नील हार्ट, तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं यार, क्या करने वाले हैं बताओ? मैं नहीं बताऊंगा। हम तुम एक डॉल हाउस में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या हो गया मेरे गले में गाइस? एक्साइटमेंट की वजह से ना मेरा गला भी खराब हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज 24 आवर्स के लिए मैं रहने वाली हूँ ये मिनी डॉल हाउस में। एंड आपको भी मेरे साथ रह के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यार हम लोग बहुत ही मजे करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्यों नहीं किया है यार? बिल्कुल मुफ्त 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 है, आप फ्री में लाइक कर सकते हो। मैं इतना मेहनत कर कितनी सी छोटी सी हाउस के अंदर रहूंगी ना 24 आवर्स, आप फ्री में एक लाइक कर दो मेरे लिए। आई लव यू माई डॉल्स, लव यू। सो गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हो मैं कितना 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 ज्यादा मेहनत करके ये डॉल हाउस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट मुझे लग रहा है कि ये मेरी बस की बात तो है नहीं, बट फिर भी घंटों तक मेहनत करके मैंने एक डॉल हाउस बनाया है। देखना चाहोगे कैसा है? 2000 years later. So guys, जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा मेरा ब्रांड न्यू गरीबों का आलीशान महल, ठीक है? और आज इसका गृह प्रवेश होने वाला है। आज पहली बार मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ एंड आपको भी लेके जाने वाली हूँ। एंड मैं आपको ना इसके अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा हाउस टूर दूंगी। एंड गाइस, आपको तो पता ही है कि मैं कंजूस हूँ, मक्खी चूस हूँ और उसके साथ गरीब भी हूँ यार। मैं गरीब हूँ तो इतने पैसे में मुझको इतना ही मिलता है इतने पैसे में। तो चलो करते हैं गृह प्रवेश मेरे नील हर्ट्स के तरफ से, ठीक है? तो मैं समझ रही हूँ कि मेरे सारे नील हर्ट्स इसको कट कर रहे हैं। 3, 2, 1, ये! अंदर जा पाऊंगी? इतनी सी घर में मैं इतनी बड़ी लड़की फिट आ जाऊंगी? आ गई यार, फिट आ गई। कितना मजा आया, किस किस को मजा आया बोलो, किस किस को? मेरा ये ब्रांड न्यू 1 BHK वाला बंगला किस किस को अच्छा लगा? मैं नहीं बताऊंगा। गाइस, अभी ना हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं और आप सामने तो देख ही सकते हो यार, ये रहा मेरा गार्डन। अच्छा लगा या नहीं बताओ? क्यूट सा। गाइस, यहाँ पे माली तो एक है बट हमारे पास दो दो फूल हैं। समझ रहे हो ना? समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। बहुत तेज हो रहा है। ये रहे मेरे क्यूट क्यूट से फेरी लाइट्स जिसके साथ मैं मेरी आलीशान महल को डेकोरेट करने वाली हूँ। मतलब कि 1 BHK, I love it guys। हाथ थाम ले दिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा, मेरा नाम ले दिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई। अरे यार, इतने सारे डॉल्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो गाइस, ये एक 1 BHK रूम है, मतलब इसका जो हॉल रूम है वो यही है, ठीक है? और गाइस, इसका जो किचन है वो भी यही है। और बेडरूम तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस पूरे बंगलों का जो बेडरूम है ना, वो यही है गाइस। क्या कभी आपने ऐसा ऑल इन वन हाउस देखा है? मतलब बेडरूम, किचन, गार्डन, सब चीजें एक ही जगह पे, एकदम ऑल इन वन नहीं देखा होगा। क्यों? मेरे पास ही देख सकते हो। क्यों? मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। बाप रे। गुड मॉर्निंग नीलहर।
सुबह सुबह मैं उठ तो चुकी हूँ। सुबह सुबह मुझे तो यार उठते ही भूख लग जाती है और चाय तो चाहिए ही होता है। एंड चाय कहाँ पे बनाने वाले हैं? मेरे किचन में, ठीक है, नीलांजनास किचन में, नील हर्ट्स किचन में। सो गाइस, आप देख सकते हो ये रहा मेरा पूरा का पूरा रसोई। रसोरे में कौन था गाइस? नीलांजना थी। तो अभी आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, ठीक है, किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको बताने वाली हूँ मैं। गाइस हमारे पास गैस है, देख रहे हो ना, ओवन है और ये चलता भी है, बट गैस का प्राइस इतना ज्यादा है, मतलब पूछो मत यार। और आपको तो पता है मैं कितनी बड़ी कंजूस, मक्खी चूस और गरीब लड़की हूँ, तो इसलिए हम गैस यूज नहीं करने वाले हैं। हम इस चीज से काम चलाएंगे, इसी के अंदर आग जलाएंगे। वैसे मेरे अंदर बहुत आग है, तो आग लगाने के लिए हम बनाने वाले हैं दिया मिर्जा, सॉरी दिया। अभी इसके ऊपर हम लोग ये चूल्हा बिठा देते हैं। वाओ कितना सुंदर लग रहा है, अंदर से दिखाओ एक बार। और गाइस बस दिखावे के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे लकड़ी भी डाल दिया है, ताकि थोड़ा मतलब लगे कि हाँ बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमने आग जलाया है। तो इसके ऊपर हम अभी बनाने वाले हैं चाय। बिठा दे ऐसे करके। ओह ओह, और आप देख सकते हो यार मेरा ये कलरफुल वाला जो बोल था वो बिल्कुल ही काला पड़ चुका है। तो पानी डाल दिया हमने हमारा छोटा सा जग से। A few moments later. Guys, हमने बर्तन चेंज कर लिया क्योंकि उस पे बिल्कुल नहीं हो रहा था, और अभी इस पे लिटरली पानी उबल रहा है, कैन यू सी। तो जल्दी से मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ चीनी। यार आवाज क्यों हो रहा है इसके अंदर से पता नहीं। साथ ही में चाय की पत्ती भी डाल देते। ओरे बापरे, वाओ गाइस कितना सुंदर चाय बना है, लिटरली बिल्कुल रेड चाय बन चुका है। सो गाइस मतलब सदियों की मेहनत के बाद ये हमारा चाय ऑलरेडी बन चुका है। एंड आप देख सकते हो ना बिस्किट्स कितनी ज्यादा क्यूट है, मतलब ये रहा मेरा फेस और ये रही मेरी बिस्किट, दिख रहे हो कितना ज्यादा छोटा है। तो इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा मिल्क मेड मिक्स करने वाली हूँ, ताकि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए। ओह माय गॉड, तो ये रहा मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म चाय, बहुत ज्यादा गर्म है। आई लव इट, इतना अच्छा चाय कैसे बन गया गाइस, सच्ची में बोल रही हूँ बहुत अच्छा चाय बन गया है। मुझे तो लग रहा था बस बिल्कुल जहर बना लिया होगा मैंने कुछ भी, मतलब इतना मेहनत किया। और एक चीज देखोगे? नो 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 नो, लिटरली कप पूरा मेरे मुंह के अंदर घुस सकता है। सो गाइस मैंने ऑलरेडी अभी लंच के लिए चावल धो के यहाँ पे चूल्हे पे बिठा दिया है, और अभी तक ये गर्म हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, तो वेट कर जाते हैं एंड इसको थोड़ा सा ना ढक के रख देते हैं, क्योंकि चावल पकाना मतलब बहुत मुश्किल का काम होता है। तो चलो इसको ढक के वेट करते हैं ताकि ये हो जाए अच्छे से। फाइनली गाइस, फाइनली काफी बन चुका है। राइस तो बन गया है, बट उसके साथ खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऑमलेट। एंड इसके लिए एग ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो थोड़ा सा हम प्याज डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी सी मिर्ची क्योंकि मुझे ज्यादा मिर्ची पसंद नहीं है, थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक, तो हम यहाँ पे कढ़ाई बिठा देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी ऑयल। ओके, इसको थोड़े से स्प्रेड 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 कर लेते हैं। यार कितना मजा आ रहा है मुझे ये पकाते हुए। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा अंडा। डालू? ओह माय गॉड, और डालू? डाल ही देते हैं पूरा। तो ये रहा हमारा अंडा। आई कांट बिलीव दिस कि ये सच्ची में बन चुका है। गाइस आप देखो यार,
ऑलमोस्ट हमारा ऑमलेट बन चुका है रियल वाला, और इसका साइज देख सकते हो आप, मतलब कितना छोटू सा, चुटकू सा, मतलब इतना सा है। सो गाइस, बन चुका है मेरा गर्मा गर्म चावल, साथ ही में ऑमलेट। तो यार माशाल्लाह क्या बना है, मतलब देख के किस करने का मन करता है। तो चलो हम ले लेते हैं राइस। अभी फाइनली मैं ये ऑमलेट को ना इससे उठा के इसमें लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत गर्म है। ओके, एंड चलो थोड़ा सा सलाद ले लेते हैं। यहाँ पे रहा हमारा अनियन। ये गाइस देख सकते हो मेरा फेस कितना बड़ा है, और ये मेरा लंच कितना बड़ा है, या इतना बड़ा बॉडी में इतना सा लंच सच्ची में। बट फिर भी ओके, आई एम ट्राइंग। तो देखो ऑमलेट का साइज देख रहे हो, देख रहे हो। बट गाइस लेजिट बोल रही हूँ, बिल्कुल रियल वाला ऑमलेट बना है। देखो तो खा के देखती हूँ कि कैसा बना है। आई लव इट, आई स्वेयर। थोड़ा खा के देखो, खा के देखो, खा के देखो। वाओ, वाओ है ना गाइस, आई स्वेयर यार बहुत अच्छा बना है। पता नहीं गाइस, मुझे अभी लग रहा है मैं इंसान नहीं हूं, मैं राक्षस हूं, क्योंकि मेरा लंच इतना जल्दी खत्म हो जाता है और मेरा पेट भी नहीं भरता। तो क्या लगा आपको, इतना सा लंच खा के मेरा पेट भर जाएगा? यार नहीं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी वाली भुक्कर हूं, तो अभी मैं खाने वाली हूं चीज से भरा हुआ पिज्जा। यार देख सकते हो, मतलब देख सकते हो, मुझे लग रहा है कि अभी धरती पे जन्नत आ गई है गाइस, इतना ही ज्यादा यमी है। मतलब नंबर वन भुक्कर हूं मैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं हूँ, ये मेरा गार्डन है, और ये मेरा जेम्स है, और यहाँ पे हम जेम्स पार्टी कर रहे हैं। तो यार का जो काला काला धुआं है, इससे मेरी आंखें बहुत ही ज्यादा जल रहा है। बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं डिनर बनाने वाली हूँ। एट डिनर में मैं क्या बनाने वाली हूँ? आपका मेरा सबका फेवरेट मैगी। छुटकू, छुटकू, छोटू, इतना हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो कढ़ाई है वो इतना साइज का है। तो सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। अभी मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा प्याज, ज्यादा हो गया क्या, थोड़ा सा हरी मिर्च। गाइस इतना अच्छा वाला स्मेल आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको यार। इसके अंदर हम डालने वाले हैं पानी। तो चलो, अभी गर्म हो चुका है, पानी उबल रहा है लिटरली, दिख रहा है? तो चलो इसके अंदर हम डाल देते हैं हमारा मैगी, और लास्ट में मैगी मसाला। बाप रे। सो गाइस, हमारा मैगी बन चुका है, एंड अभी इसको उतार देंगे। यार बहुत ज्यादा ही धुआं निकल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी। सो गाइस, ये रहा मेरा मैगी, जो कि है मेरा डिनर। आपको लग रहा है ये मेरा डिनर है? तो देखते पहले टेस्ट करके कि कैसा बना है। यो देखो, देखने में तो काफी यमी लग रहा है। देखो बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, मसालेदार एंड सॉफ्ट भी लग रहा है। तो देखते खा के। सो गाइस, ये बहुत ही यमी बना है, बट थोड़ा सा स्पाइसी ज्यादा बन गया है। गाइस मैं डिनर करती हूँ, सही वाला एकदम अच्छा वाला मैगी खाऊंगी ज्यादा करके, क्योंकि इतने में से मेरा पेट का एक कोना भी नहीं भरता है। ठीक है, मेरा पेट पेट नहीं है, कुआं है। तो मैं डिनर कर लूंगी एंड करके सो जाने वाली हूँ। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरे में और ज्यादा एनर्जी नहीं है। मैंने खाना बनाया, खाना खाया, इस छोटी सी हाउस के अंदर 24 आवर्स रही हूँ मैं। यार मतलब समझ रहे हो कितना मेहनत किया आपके लिए।
तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो बिल्कुल फ्री में यार, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। वीडियो को अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर दो सारे फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, क्यों सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है, जल्दी से करो। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टू ऑल माय डॉल्स गाइस, अपना अकाउंट खोलिए अपस्टॉक्स गोल्ड में, वो भी एकदम फ्री में।